दोस्तों टाइटल से तो आपको पता चल ही गया होगा, ये वीडियो इल्यूमिनाटी के बारे में है। इल्यूमिनाटी इंटरनेट कल्चर का हिस्सा आज से ही नहीं, लगभग एक दशक या उससे पहले से है। आपको ये मालूम होगा कि ये वीडियोस मैंने 6 साल पहले बनानी शुरू की थी। ज़माने में ज़्यादा इस चीज़ों के बारे में बात नहीं किया जाता था और ये कंस्पिरेसी थ्योरीज उस ज़माने में बहुत नई आ रही थी। बहुत वक्त बीत चुका है और बहुत सारी जानकारी अब हमारे पास है और उसी वीडियो के आगे का हिस्सा ये है। बहुत सारे लोग ये समझ नहीं पाते कि इल्यूमिनाटी जो कि एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसे इलीट लोग कंट्रोल करते हैं, जो कि ये माना जाता है कि दुनिया की जितनी बड़ी इवेंट हैं ये ही लोग कंट्रोल कर रहे हैं, ये अलग एक दुनिया बनाना चाहते हैं, ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, उसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी चीज़ आती है कि इनका संबंध सैटन से है, इनका संबंध गलत शक्तियों से है, सैटनिक चीज़ों से है। मैं ये जानता हूँ कि ये चैनल एक टेक्नोलॉजी का चैनल है, लेकिन इंटरनेट कल्चर के बारे में मैं आज से नहीं कई साल पहले से बात कर रहा हूँ। लोग इसके बारे में भी जानना चाहते हैं कि इंटरनेट पे आप वीडियोस में, पॉडकास्ट में जो ये चीज़ें देखते हैं, असल ये क्या है। अब इस चीज़ को समझने के लिए आपको हिस्ट्री में बहुत पहले जाना पड़ेगा, जब किंग सोलोमन नाम का या किंग सुलेमान नाम का एक राजा हुआ करता था। वो उसके सपने में भगवान खुद आए थे और उन्होंने उसको विजडम दी थी। अब ये विजडम कैसे दी थी? डेविड नाम का एक राजा था जेरूसलम का, काफ़ी अच्छा राजा था, ईश्वर उससे काफ़ी खुश थे। उसकी मृत्यु के बाद उसका बेटा तख्त पर बैठा और उसको सपने में भगवान आते हैं। भगवान उससे पूछते हैं कि सोलोमन तुम क्या चाहते हो? उसने बोला कि मुझे बस विजडम चाहिए। भगवान इस चीज़ से बहुत खुश हो गए, क्योंकि नॉर्मली उस ज़माने में राजा भगवान से, ईश्वर से पैसा मांगा करते थे, राज्य मांगा करते थे। लेकिन वो एक इकलौता ऐसा राजा था जिसने विजडम यानी कि ज्ञान मांगा। इस चीज़ से भगवान बहुत खुश हो गए और भगवान ने कहा कि तुम पहले राजा हो जिसने विजडम मांगी, मैं तुमको विजडम देता हूँ, समझ देता हूँ, सोचने की शक्ति और ज्ञान देता हूँ। भगवान ने उसको ये सारी चीज़ें दी, उसको विजडम दिया और उसके साथ पैसा, दौलत, राज्य और सारी सहूलियतें उनको दे दी। भगवान का ये मानना था कि जो इंसान विजडम मांग रहा है वो कभी बुरा नहीं कर सकता, वो तो बुरा हो ही नहीं सकता। लेकिन ऐसा नहीं था। जब उसके पास विजडम आ गई तो उसने एक टेम्पल बनाया और जो टेम्पल बनाने का जो नक्शा था, जो टेम्पल बनाने की जो नॉलेज थी, वो सिर्फ किंग सोलोमन के पास थी और किसी के पास नहीं, क्योंकि भगवान ने सिर्फ उसी को ज्ञान दिया था। ऐसा कहा जाता था कि इस पूरी दुनिया में उस वक्त पे ना उससे पहले ऐसा कोई ज्ञानी आया था, ना उसके बाद कोई आएगा। भगवान ने ये बात कही थी कि तुमने सिर्फ ज्ञान मांगा है तो मैं तुमको ऐसा ज्ञान देता हूं जो ना तुमसे पहले किसी के पास था, ना तुमसे बाद किसी के पास होगा। बहुत ज्ञानी राजा था किंग सुलेमान। अब किंग सुलेमान उस टेम्पल को बनाने का तरीका जानता था, तो उसने कुछ चुनिंदा मेसन्स को, कुछ चुनिंदा घर बनाने वाले लोगों को वो जो था नॉलेज जो थी वो दे दी। अब ये कुछ चुनिंदा लोग थे जो उस टेम्पल का नक्शा जानते थे और उसको कैसे बनाना है वो जानते थे। भगवान ने ये कहा था कि मैं तुमको 10 टेस्टामेंट दे रहा हूँ, कुछ मूल मंत्र दे रहा हूँ, कुछ ऐसी चीज़ें बता रहा हूँ जिसको मानना है, किसी और भगवान की पूजा मत करना, सिर्फ उन्हें मानना। वो राजी हो गया उस चीज़ से। अब उसने वो जो भी विजडम थी वो वर्कर को दी और वर्कर ने वो टेम्पल तैयार कर दिया। बड़ा भव्य टेम्पल था, बहुत ही आलिशान टेम्पल था। वहाँ पर उसने वही 10 टेस्टामेंट रखे और उसी की पूजा और उसी की जो भी वो करता था, मानता था, वो मानने लगा। अब मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये जो राजा है ना, ये जितना आपको ठीक लग रहा है इतना ठीक था भी नहीं। इसकी 700 रानियाँ थी। जी हाँ, 700 रानियाँ थी, 700 बीवी थी और 300 और नौकरानी वगैरह भी थी जिनको वो था, जो भी है। तो उसकी एक और रानी पे उसका एक दिल आ गया, उसको एक और लड़की से शादी करनी थी। अब क्योंकि उसे शादी करनी थी तो वो जो लड़की थी वो किसी और देवता को पूछती थी, वो कोई अलग देवता थे। इस बात को याद रखना, ये आगे चलकर आपको समझने में मदद करेगा। वो किसी और देवता को चाहती थी, उसकी आराधना करती थी, और उस लड़की को पाने के लिए उस राजा ने उस देवता का मंदिर भी गलती से जेरूसलम में बनवा दिया। अब ये चीज़ तो भगवान के खिलाफ थी, भगवान ने कहा कि आप किसी और को नहीं पूछोगे, लेकिन उसने एक ऐसा मंदिर बना दिया जो उसके अगेंस्ट था। वहीं से किंग सुलेमान का डाउनफॉल शुरू हो गया। यहाँ से किंग का डाउनफॉल शुरू हो गया, सब खत्म। अब मैं आपको बता दूं कि जो फ्री मेसन्स थे वो यहीं से आए, वो जो थे ना जिनके पास नॉलेज थी बनाने की, वो वही लोग थे जिनको किंग सुलेमान ने बताया था कि वो मंदिर कैसे बनाना है। यहीं से एक सीक्रेट सोसाइटी का गठन हुआ दोस्तों, जो ऐसी नॉलेज रखते थे जो किसी के पास नहीं है और वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करते थे। और ऐसा माना जाता था कि जो विजडम किंग सुलेमान को मिली थी उसे इतनी नॉलेज मिली थी कि वो किसी भी जिन,
किसी भी काली शक्ति, डीमंस, इन सबको कंट्रोल कर सकता है। उसके पास इतनी पावर और नॉलेज थी। लेकिन उसके मरने के बाद उसकी चेयर के नीचे जिन्नों ने एक गलत बुक रख दी, जिसमें तरीके थे कि जिन्नों को कैसे कंट्रोल किया जाए, डीमंस को कैसे कंट्रोल किया जाए, लेकिन वो सुलेमान द्वारा लिखी गई नहीं थी, क्योंकि सुलेमान ने अपनी नॉलेज किसी के साथ और शेयर नहीं की थी सिवाय उस टेम्पल बनाने के तरीके के। लेकिन लोगों को लगा कि ये किंग सुलेमान ने लिखी है और उसको सर्कुलेट कर दिया, जबकि वो डीमंस को कंट्रोल करने के लिए नहीं, डीमंस का स्लेव बनने के तरीके थे। ये भाई बहुत खतरनाक चीज़ थी ये। अब ये याद रखना कि फ्री मेसन्स की शुरुआत कैसे हुई थी। बहुत सारे लोगों का अलग अलग मान्यता है कि फ्री मेसन्स कैसे बने, लेकिन एक कहानी आप ये याद रखो कि फ्री मेसन्स की शुरुआत यहाँ से हुई। अब मैं बात करता हूँ थोड़ा और आगे, और बहुत आगे आपको ले जाता हूँ। आप तो ये जानते होंगे कि इल्यूमिनाटी की शुरुआत 1775 में एडम विशप नाम के एक आदमी ने की थी, लेकिन ये गलत है। बवेरियन इल्यूमिनाटी जिसे आप जानते हो वो 1775 में शुरू नहीं हुई थी। ये सारी चीज़ें आपसे छुपाई गई। इल्यूमिनाटी से पहले भी बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी आई और उनका सबका लक्ष्य एक ही था, इनलाइटनमेंट। उन सबका लक्ष्य एक ही था, बेफोमेट की पूजा। उन सबका लक्ष्य ये था कि शैतान की पूजा करो। तो उनके क्या नाम थे, तो मैं उनके नाम आपको बताऊंगा। वैसे ज़्यादातर इसके बारे में आपको वर्णन नहीं मिलेगा, बट ये बहुत, सबसे पहली जो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम सैनहेड्रिन था, वो तो बहुत पहले आई थी, बहुत पहले। तो उस वक्त पे तो इल्यूमिनाटी शब्द भी नहीं था, लेकिन इनके अंदर जो काम करते थे ना लोग, उनकी सब वही मान्यता थी जो इल्यूमिनाटी की है। उसके बाद भी बहुत सारी आई, द ऑर्डर ऑफ ग्नोस्टिक्स आई, मिस्टिक पावर्स को प्रीच करने वाले लोग, मिस्टिक पावर रखने वाले लोग, और ब्लैक मैजिक करने वाले लोग, विचक्राफ्ट करने वाले लोग, ये सारे लोग थे उसमें। उनका भी यही एजेंडा था, शैतान की पूजा करो। उसके बाद कबाला नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन आई, वो भी यही करती थी। उसके बहुत बाद में आके ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी, जिसे एडम विशप लेके आया था, एडम विशप ने इल्यूमिनाटी को फाउंड नहीं किया था, नाम बदल के उसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाया था और बहुत क्लियर कर दिया था कि ये उन लोगों की ऑर्गेनाइजेशन है जो इनलाइटनमेंट रखते हैं। अब आप ये देख रहे हो कि ये हिस्ट्री की चीज़ है, लेकिन ये अभी करंट वर्ल्ड को कैसे कंट्रोल करती है। मैं आपको बता दूं, इसमें हायरार्की होती है इल्यूमिनाटी में। जो सबसे टॉप पर लोग होते हैं वो सिर्फ 13 लोग होते हैं, जिन्हें क्राउन काउंसिल कहा जाता है। ये दुनिया के सबसे पावरफुल लोग होते हैं, सबसे अमीर लोग होते हैं। तो इनमें कौन हो सकता है? इसमें किसी बहुत बड़ी कंट्री का प्रेसिडेंट हो सकता है, कोई बहुत बड़ा किंग हो सकता है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बट आप खुद समझ जाना। बहुत किसी बड़ी कंट्री का कोई प्रेसिडेंट, कोई बहुत बड़ी फैमिली, कोई रॉयल फैमिली, कोई किंग के एंसेस्टर्स, ये सारे लोग, बहुत पैसे वाले, बहुत पावरफुल लोग, 13 लोग होते हैं। उसके बाद आती है 300 लोगों की एक टीम। ये जो होते हैं ये बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं, सीईओज होते हैं, मीडिया ग्रुप चलाने वाले लोग, सोशल मीडिया चलाने वाले लोग, ये 300 लोग होते हैं। इनका काम होता है सारे प्लान बनाना। ये टेबल पर बैठते हैं एक जगह पर, इनकी मीटिंग होती है, इनके शौक घिनौने होते हैं। आपको मालूम है इस दुनिया में ऐसे बहुत सारे टापू हैं, आइलैंड हैं, जहाँ पर गलत काम करने के लिए ये पावरफुल लोग जाते हैं, अजीब रिचुअल करने जाते हैं, जिसमें पता नहीं क्या क्या सैक्रिफाइस होता है और क्या क्या होता है जो इस दुनिया में गैरकानूनी है, जिसका मैं नाम नहीं ले सकता। ये सारे लोग उन सब चीज़ों को प्रैक्टिस करते हैं। ये सारी चीज़ जो हैं वो मैं नहीं बता सकता, बट आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। स्ट्रीम ग्राफ प्लेटफॉर्म एंड दिस वियर्ड सिंबल इन द मिडल दैट इज प्रोबब्ली फॉर द इल्यूमिनाटी। उसके बाद आते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, उसके बाद आते हैं वर्ल्ड बैंक, सेंट्रल बैंक, ये बड़े बड़े फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंसेस कंट्रोल किए जाते हैं। ये जितने भी बड़े बैंक हैं, वर्ल्ड बैंक हैं, ये जितनी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल की, इनके जो टॉप लीडर्स हैं, इनके जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें इनके मेंबर्स हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद नीचे जाकर आती हैं पेमेंट गेटवे, सोशल मीडिया, ये सारी चीज़ें जो पैसे को कंट्रोल करती हैं दोस्तों, नोट छापने वाली ऑर्गेनाइजेशंस। इसलिए आपने देखा होगा अमेरिका के नोट पे भी इल्यूमिनाटी का साइन है, ये सब चीज़ें। उसके बाद जाकर दोस्तों मीडिया, गवर्नमेंट, एजुकेशन, ये सारे हायरार्की आती है। और उसके बाद आते हैं डेब्ट स्लेव्स, यानी कि हम लोग इस हायरार्की में बहुत नीचे हैं और हमें कंट्रोल किया जाता है एजुकेशन से, गवर्नमेंट से, मीडिया से, और जितनी भी इवेंट्स होती हैं हमारे आसपास हमें मैनिपुलेट किया जाता है और हमें कंट्रोल किया जाता है। इन लोगों के ऊपर तो ये भी आरोप है कि ये वर्ल्ड की बहुत बड़ी बड़ी इवेंट से लेकर वेदर तक को कंट्रोल करते हैं। जो भी वॉर होने वाली है, जो भी पैंडमिक है, या जो भी चीज़ें होती हैं, ये सब इनके कंट्रोल में होती हैं। अब ये कंस्पिरेसी थ्योरी है, इसे मैं पब्लिकली ये नहीं बोल सकता कि मैं इसकी पुष्टि करता हूं। बट जो इल्यूमिनाटी को मानते हैं, उन लोगों का ये मानना है कि ये लोग वेदर मॉडिफिकेशन से लेकर डीएनए इंजीनियरिंग से लेकर मीडिया और हर चीज़ में कंट्रोल करते हैं।
इन लोगों का यह भी मानना है कि जितने भी बड़े प्रेसिडेंट होते हैं वो दरअसल असल इंसान है ही नहीं, वो तो क्लोन है। जो असल प्रेसिडेंट है वो कब के मारे जा चुके हैं, और ये जो अभी आप देख रहे हो ये पपेट्स हैं जो इल्यूमिनाटी ने रखे हुए हैं, जो इनके कहने पर चलते हैं, और सीक्रेटली ये लोग न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाना चाहते हैं, यानी कि पूरी दुनिया की एक ही सरकार हो, ये जो चाहे वो करें, और जो लोग इनलाइटेंड हैं वही पूरी दुनिया को कंट्रोल करें। अब शैतान का इसमें कनेक्शन क्या है? जब किंग सोलोमन ने अपने जब फ्री मेसन्स किए थे तो एक और चीज चलाई थी कि जो लोग सीक्रेट सोसाइटीज चलाते हैं वहां पर वो रेड कराता था। यूरोप में भी और जेरूसलम के आसपास के एरिया में उस जमाने में सीक्रेट सोसाइटीज बहुत पॉपुलर थी। कोई भी लोग अपने अलग बिलीफ लेकर, चर्च को ना मानकर या किसी भी बिलीफ को ना मानकर, अपने बिलीफ्स रखते थे और अपनी सीक्रेट सोसाइटी बना लेते थे जो कि उस राज्य के खिलाफ होती थी, तो वहां पर रेड पड़ती थी। ये जो मैंने कुछ आपको नाम बताए ना ऑर्गेनाइजेशन के जो इल्यूमिनाटी से पहले थे, ये वो सब थे। जब यहां पर रेड पड़ती थी तो यहां पर इनके एक ही डेटी की मूर्ति मिलती थी और वो था बेफोमेट, शैतान का एक रूप। इससे पता चला कि ये लोग जितने भी हैं सीक्रेट सोसाइटी वाले, इनका जो एंड गोल है वो वही है जो अभी मॉडर्न इल्यूमिनाटी का है। तो इनका कनेक्शन यहां से बन गया। फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स जो थे ये फुट आर्मी है इल्यूमिनाटी की। फ्रीमेसन्स और ये जो नाइट टेम्पलर्स हैं ये कहीं पर भी गैरकानूनी नहीं थे, क्योंकि ऐसा माना जाता था कि ये सेनापति हुआ करते थे, ये सेना में हुआ करते थे, और कोई भी राजा के लिए सेनापति या सेना कभी गलत नहीं हो सकती। लेकिन दिखाने के लिए ये राजा को सर्व करते थे, लेकिन ये पीछे राजा की गैर मौजूदगी में ये फुट आर्मी थी इल्यूमिनाटी की। फ्रीमेसन्स और नाइट टेम्पलर्स, ये कनेक्शन है इनका। इसमें बहुत सारी विचेस भी थी जो कि इन फुट आर्मी को सपोर्ट किया करती थी, विचक्राफ्ट किया करती थी, ब्लैक मैजिक किया करती थी, ये कनेक्शन है इनका। अब आपको पता है कि ये मॉडर्न वर्ल्ड में जो पावरफुल लोग हैं कंट्रोल करते हैं हर एक इवेंट को, हर एक चीज़ को, न्यूज़ को, मीडिया को। इसीलिए आपने देखा होगा जितने भी बड़े बड़े सोशल मीडिया के CEO हैं जैसे मार्क ज़करबर्ग वगैरह, इन लोगों के आगे अगर इल्यूमिनाटी की बात करते हैं तो ये लोग नर्वस हो जाते हैं। अब जो लोग सच छुपा सकते हैं वो छुपा सकते हैं, जिन लोगों से सच नहीं छुपाया जाता वो लोग नर्वस हो जाते हैं, इसके बारे में बात नहीं करते, कुछ नहीं बोलते, या अगर ये हंस रहे होते हैं तो इल्यूमिनाटी के नाम सुनकर ये लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। आपने पॉप स्टार्स को देखा होगा, ये लोग साइंस दिखाते हैं, लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, सेटेनिक रिचुअल्स करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं, इनकी ओथ होती है अजीब अजीब सी, तो ये सारे काम यहाँ पर हो रहे हैं। और ये इतने घिनौने लोग हैं कि आइलैंड बना बना के उल्टे सीधे काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे आइलैंड हैं जो अभी सीज कर दिए गए हैं जहाँ पर जाकर ये गलत काम करते थे। अगर आपको अब भी मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं कि इस दुनिया के जो 1% सबसे अमीर लोग हैं वो अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं। ये इतने बड़े बड़े बंकर्स हैं कि मिलियन बिलियन डॉलर्स के हैं। मार्क ज़करबर्ग कह लो, जेफ बेजोस, एलन मस्क, बिल गेट्स, ये सभी लोग अपने घर के नीचे या हवाई या ऐसी जगहों पर अंडरग्राउंड बंकर बना रहे हैं जहां पर 3, 4, 5 साल तक का राशन, हॉस्पिटल, मेडिकल फैसिलिटी, एंटरटेनमेंट फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, पानी, वो सारी ज़रूरतें जहां पर जिससे इंसान को जिंदा रखा जा सकता है। तो क्या ये लोग ऐसी कोई चीज़ जानते हैं जो हम लोग नहीं जानते? क्या ऐसा कुछ होने वाला है जो जिसे बंकर की ज़रूरत पड़े? एक इतने अमीर इंसान को बंकर की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? ये सोचने वाली बात है। और ये लोग इतना पैसा खर्च क्यों करेंगे? अमीर लोगों की एक खास बात होती है, वो ऐसे बेकार का पैसा कभी खर्च नहीं करते, ये लोग इन्वेस्ट करते हैं और इसीलिए तो अमीर है। तो कोई भी अमीर आदमी अपनी इतनी सारी दौलत एक बंकर में क्यों लगाएगा? क्यों कोई क्यों बंकर के अंदर रहना चाहेगा? ऐसा बंकर जिसमें बाहरी आपदा या अपोक्लिप्स या कुछ भी हो जाए तो अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सोचने वाली बात है। इसका मतलब ये लोग किसी ऐसी सोसाइटी से हैं और कोई ऐसी चीज़ जानते हैं जो हम नहीं जानते, नहीं तो ये बेकार में पैसा तो लगाते नहीं। तो दोस्तों ये कनेक्शन है इल्यूमिनाटी और सेटेनिक लोगों का। आगे भी मैं न्यू वर्ल्ड ऑर्डर और ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा, इंटरनेट पर जो भी चीज़ चल रही है, क्योंकि आजकल क्या इंटरनेट पर पॉडकास्ट का चलन बहुत हो गया है। पॉडकास्ट में लोग आते हैं और कुछ भी बोलकर चले जाते हैं, और यहाँ पर मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि जो पॉडकास्ट ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं वो हर किसी चीज़ के एक्सपर्ट नहीं हो सकते, उनका तो गेस्ट आके जो बोल रहा है वो बोल रहा है, उसको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बना देते हैं। बट रियलिटी यही है, सेटन, इल्यूमिनाटी और ये सारी चीज़ों का कनेक्शन क्या है। अब ये इंटरनेट पर चलती हुई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं दोस्तों, तो उसको उसी तरीके से लेना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।
আমার কমন্টের আছে না পাওয়া খাওয়া লাগছে আমাদের বাসে অনেকগুলো কবুতরের আছে খেতে ব্যস্ত আছে।
Gracias.
Gracias.
कभी इस जगह खड़ा हो जाता है, दूसरी जगह खड़ा हो जाता है, इसने गियर का स्टैंड नहीं लिया। जब तक पाकिस्तान गियर का स्टैंड नहीं लेगा, प्रेशर में आ जाता है। सारी बात आई एम एफ के पास जाना पड़ता है, वो कहीं ना कहीं प्रेशर में आ जाता है। किसी का शौक तो नहीं है कि कभी यहाँ खड़े हो कभी वहाँ खड़े हो और अपनी इंसल्ट करवाओ। देखिए इकोनॉमी की वजह से मार खा रहे हैं, इकोनॉमी की वजह से हमें आई एम एफ के पास जाना, तो आई एम एफ को अमेरिका डील करती है। और ये भी अमेरिका है तो अमेरिका के लिए मामले में बहुत अच्छे नजरियात नहीं रखता, क्योंकि अमेरिका की एक चीज है जो सबसे बुरी है वो ये है कि अगर किसी मुल्क में उसने लुच फ्राई करनी होती है तो वो कह देता है कि ये मुल्क का अंदरूनी मामला है, ठीक है, और जिसमें नहीं करने तो कहते खतरा हो रहा है, इसलिए हमारी डेमोक्रेसी खतरा हमारी इन्वॉल्वमेंट उनके ईरान के प्रेसिडेंट का जो वाक्य पेश आया बहुत ही अफसोसनाक वाक्य है, जिसमें ना सिर्फ मुस्लिम नॉन मुस्लिम ये इन चीजों को दूर में रख के बिल्कुल साइड पे रख के नेशन के तौर पर फोर्स करने की जरूरत है। अगर दूसरा कंट्री इसमें इकबाल है तो डेफिनेटली मैं ये नहीं कहता कि मुस्लिम कंट्री सारे कंट्रोल में कहता हूँ, अगर दूसरा कंट्री इकबाल हो किसी एजेंसी की इन्वॉल्वमेंट हो तो दुनिया के तमाम कंट्रीज को उसके लिए लड़ना होना चाहिए। सबसे पहले तो ये यही मैसेज होता है कि जो वाक्य भाई अफसोसनाक वाक्य है, और हम इस मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान जितने भी हम सारे ईरान के साथ खड़े हैं, ठीक है, और ये सिर्फ ईरान का मामला नहीं है, और कुल के सबसे पहले इंसानी जान की कीमत बहुत ज्यादा है, और इतना भी हाई प्रोफाइल पता है, पॉलिटिकल पता है, ठीक है, उसकी किसके पीछे फैन फॉलोइंग है, इससे पीछे उसके फॉलोअर्स है, वो सबके साथ जो है ना वो मिजाने लगजियत करते हैं, जबरदस्त हो गया। आप अपने और आपने बात सुनी और सबसे अच्छी बात है।
Thank you.
Thank you.
Like evolving to Russian algorithmic equation. But this was a pretty large x one by 0 and 2 x 1 by considering such an A to its minus by our friends. Because we're going to have to all the logarithmic stuff, because plus backslash lnx. 6 of logarithm, some underscore, 2, 3, 4, 5.